एवरीवन, मैं सुहानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी कुछ खास टिप्स जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए अपने बालों के साथ, अपने सेहत के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। किस बारे में मैं बात कर रही हूँ आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हम में से आप सब अपने बालों में कलर करते हैं, मैं भी करती थी, जैसे इंडिको, एक्सपर्ट या फिर बहुत सारे हैं, मुझे उतना अच्छे तरीके से नाम नहीं पता, लॉरियल, मैट्रिक्स, ऐसे रेड कलर, बर्गंडी या फिर बहुत सारे हनी ब्राउन हम कलर अपने बालों में करना पसंद करते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे का जो सच्चाई है आप लोगों को नहीं पता होता है। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी डिटेल्स में कि आपको अपने बालों को कलर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस तरीके के करना चाहिए, ए टू जेड मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहला बात, अगर आप अपने बालों में कलर करते हो, डाई करते हो, आप डाई बोलो या कलर बोलो जो भी है, या फिर अपने सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए कलर करते हो, या फिर अपने बालों को, काले बालों को कलरफुल करने के लिए कलर करते हो, जो भी हो, कलर कलर ही होता है, उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं। इस वजह से उसमें एक टाइमिंग दिया रहता है कि हमें हमारे बालों में कितना टाइम तक कलर को रखना है। लोगों को पता होगा, आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप खरीदते हो, पैकेट हो, डब्बा हो, कुछ भी, उसमें लिखा रहता है कि ये जो कलर है आपको 20 मिनट रखना है, 15 मिनट रखना है, या 10 या 5, जितना भी हो। लेकिन हम सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं, अपने बालों में कलर को अप्लाई कर लेते हैं और घूमते रहते हैं, एक डेढ़ दो घंटा तक घूमते रहते हैं। कुछ कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि मतलब सुबह से लगा कि वो इंसान निकला हुआ है और घर लौट के आता है 2-3 बजे। तो ऐसे आप गलती बिल्कुल भी मत करना, ये अपने बालों के साथ गलती नहीं कर रहे हो, ये आप अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जो अपने बालों में कलर करते हो उसमें कितने तरीकों का केमिकल मिला हुआ है आपको नहीं पता है, और पैकेट में जो लिखा रहता है आपने कभी पढ़ा है उसमें कितने तरीके का केमिकल है जो इंस्टेंटली मतलब 10-15 मिनट में आपके बालों का कलर ही चेंज कर देता है। तो सोच लो कितना हैवी केमिकल है जो आपके बालों का कलर जो है चेंज कर दे, और उसको आप अप्लाई करके रखते हो एक डेढ़ दो तीन, पता नहीं, कुछ कुछ लोग जो है कपड़े धोने या नहाने से पहले अप्लाई कर लेते हैं, पूरे सारे घर के कपड़े धो लेते हैं, उसके बाद नहाते धोते हैं, तो उसमें 2-3 घंटा टाइम बीत जाता है। तो ऐसा अगर आप मिस्टेक करते हो तो आज से ही करना बंद कर दे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है आपके सेहत के साथ। उसमें बहुत सारे केमिकल के वजह से आपका सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, आपने नोटिस किया होगा। ये मैंने ऑब्जॉर्व किया है लोगों से ही, तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वरना मुझे कैसे मालूम होगा कि ऐसा होता है। सारे लोग जो है डेली बेसिस पे लगाते हैं, मतलब हफ्ते में उनका फिक्स है कि एक बार संडे को कलर करना ही है। तो आप सोचो कितना बड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो अपने शरीर में, मतलब अपने सर पे ऐसा एक केमिकल लेके आप बहुत टाइम तक घूम रहे हो, तो कितना खतरनाक हो सकता है। उससे हमें सारा बीमारी होता है, हमें खुजली होने लगता है, सर दर्द, ऐसा सर दर्द, खतरनाक सर दर्द हमें पकड़ लेता है कि छोड़ने का नाम नहीं लेता है। ऐसे ऐसे अचानक हमें कभी कभार तो सर दर्द से बुखार हो सकता है। अगर आप सैलून गए हो, कभी कलर कराए हो, तो आपने देखा होगा सैलून वाले लोग टाइमिंग देख लेते हैं, घड़ी देख के ही या फिर टाइमर सेट कर देते हैं और चेक करते रहते हैं कि आपके बाल में कलर हुआ और नहीं, टाइम से पहले चेक करते रहते हैं कि आपके बालों में कलर लगा है, कितना आया है कलर, किस तरीके का है, क्योंकि उनको पता होता है कि कलर कितना ख़राब होता है, आपके बालों का लस्टर उड़ा देता है, अच्छे करने की वजह से आपके बालों का ख़राब करना स्टार्ट कर देता है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आप सैलून में जाके कलर नहीं कराते हो तो अपने बालों में डाई हो, कलर हो, जो भी हो आप करते हो, टाइमिंग जो लिखा रहता है हमेशा उसका ध्यान दे के चले, और पैसे बचाने के चक्कर में कोई भी कलर आप उठा के अपने बालों में ना लगाएं। बात करते हैं आपके बालों में कलर जो आप करते हो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपके बालों के अकॉर्डिंग, या फिर आप जो है हिना करते हो, या फिर आप जो है सैलून में जाके करते हो। तो सबसे पहला बात, आपको अपने बालों में कलर हमेशा प्रोफेशनल सैलून में ही जाके कराना चाहिए, ना कि कोई भी
अब मार्केट से खरीद के लेके आते हो पैकेट, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल, अमोनिया और न जाने क्या क्या केमिकल होते हैं जो आपके बालों को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर देते हैं, इतना ड्राई कर देते हैं कि आपके बाल एकदम झाड़ जैसे लगने लगते हैं। और कोई कोई कलर ऐसा होता है कि आपके बालों में अप्लाई करने के बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है और आप गंजे होना। बहुत सारे मार्केट में जो है बहुत ही कम चीप में मिलते हैं और आप पैसे बचाने के चक्कर में जो है बहुत ही ख़राब ख़राब प्रोडक्ट अपने सर पे अप्लाई करते हो। तो इन सब से आप ध्यान रखें। और मुझे किसी ने पूछा था कि बालों में हिना करना सही है या नहीं। हिना एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आपके जो बालों में जब भी आप इसको अप्लाई करते हो तो आपके बालों से कभी नहीं निकलता है, आपके बालों में एक तरीके से कोटिंग कर देता है, मतलब लैमिनेशन कर देता है, आपके बालों को लैमिनेट कर देता है और आपके बालों से कभी नहीं निकलने वाला है। 3, 4, 5, 6, 7 साल के बाद भी आपके बालों में बैठा ही रहता है। और जब भी आप प्रोफेशनल सैलून में जाके अपने बालों को कलर, जिस तरीके से मैंने करा रखा है, आप इस टाइप का कोई कलर कराना चाहोगे तो हिना के वजह से आपका कलर से आपका कलर जो है कभी निखर के नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हिना उस पर कोटिंग कर रखा है। हिना जो है हमारे बालों को बिल्कुल भी कुछ नहीं करता है, हमें बस वहम होता है कि हमारे बालों को ठीक करेगा, लेकिन हिना एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आपके बालों को एकदम कोटिंग कर देता है, ख़राब कर देता है और कुछ टाइम के बाद जाके आपके बाल जो है एकदम झाड़ जैसे हो जाते हैं। तो आप अगर अपने बालों में कभी कलर कराना चाहते हो, हिना करना चाहते हो, डाई करना चाहते हो, तो एक बार आप अच्छे सैलून में जाके एक्सपर्ट से राय ले लें कि आपको अपने बालों में किस तरीके से कौन सा ट्रीटमेंट देना सही होगा। अपने बालों से रिलेटेड कुछ भी करें तो आप अपने एक्सपर्ट से या अच्छे सलून में जा के कराएं, नहीं तो आपके बालों का लस्टर उड़ने वाला है और आपके बाल जो है झाड़ जैसे बन जाएंगे, बाल गिरने लगेंगे, ख़त्म होने लगेंगे। तो इन बातों का आप ध्यान रख सकते हो। और सबसे मेन बात जो है, आप टाइम के हिसाब से ही अपने बालों में कलर करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। आपने फ्रेंड्स का शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूले, क्योंकि उनको अगर नहीं मालूम होगा तो उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा। मिलती हूँ मैं अपने अगले एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को भी हिट कर, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बाय।